कठोर अनुशीलन चलिसे बक्सिंग रिंगत निरंतर अनुशीलन अहम सन्तान अभिजीत बरुवार हरियाणार एखन अख्यात गढ़ राजेश कासाना लुक्कार एकाल जी बक्सिंग वर्ल्ड चैम्पियन आखिर आंडार कठोर प्रशिक्षण व्यस्त होवक अभिजीत बरुवा और अभिजीत सपोन प्रथम प्रफेशनल बक्सार हिसाब से गौरव कहिया अभिजीत समस्त कहानी सामरी आम आज आपको आगे एन विशेष प्रतिबेदन 2010 सनत खाली भरीरे एकेराखे 11 घंटात 103 किलोमीटर दौड़ी गिनीज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डत नाम अंतर्भुक्त करिबोलै सक्षम हुआ जोरहाटर अभिजीत बरुवा एबार नामिसे प्रफेशनल बक्सिंगत जुआ 24 एप्रिलत नतुन दिल्लीत अनुष्ठित होइ जुआ प्रथमखन फाइटते प्रतिपक्षक नक आउट करि आनुष्ठानिकभावे प्रफेशनल बक्सिंगत प्रवेश करिछे अभिजीते समान्तरालको आगंतुक 22 मेत अनुषित हबलगा फाइटत प्रतिपक्ष शिवम तिवारी प्रतिहत करिबोले सक्षम हले वर्ल्ड प्रफेशनल बक्सिंग रैंकिंगत निजर नाम अंतर्भुक्त करिब पारिब लगते जून माहत तांजानियात अनुषित हबलगा वर्ल्ड प्रफेशनल बक्सिंगतो अंश लबर बाबे योग्यता अर्जन करिब अभिजीत बरुवाय हरियाणात कठोर प्रशिक्षणत व्यस्त अहोमर अभिजीत सर्वप्रथमे मैं धन्यवाद जो कारण मोर जी कोच है राजेश किशन लुक और सारा जीखिन बहुत एक्सपीरियंस आसोर मैं बहुत खुद शिकी और आशा रखो समय मातृ नाम उजलम और जो आशीर्वाद थके इनदे मैं सफल हम बहु विश्वास कारण कठोर से कठोर परिश्रम करें ट्रेनिंग दी से खूब भल्के चेस्ा करूँ अह 22 तारिखे मोर खेल आए सदी राइज आशीर्वाद दी जो खूब भल्के जाते नाम उजल पारो माय मातृ नाम उजल पाया जाति नाम उजल पाँ जय आएम एकालर वर्ल्ड बक्सिंग चैम्पियन राजेश केशनार उरफे लुक्का भाई तत्वधानत प्रत्येक पुआ 5 बजार पर कठोर प्रशिक्षण ग्रहण करिसे अभिजीते उम्मीद मेरी यही है कि मैं इसको आगे निकालूं जो इतनी दूर से मेरे पास आया उम्मीद लेके अगर उसकी उम्मीद पे मैं खरा न उतरूं फिर मैं कैसा कोच कैसा क्या तो मैंने इसे पहले बार मिला था तो मैं इसको टाइम नहीं पाया दूसरी बार मिला इससे मैं बहुत अच्छा लगा और फिर मैंने इसकी ट्रेनिंग करवाई तो मैं हाँ कुछ कर सकता है तो मैं भी एक ये चाहता हूँ मैं एक WBC यूथ वर्ल्ड चैंपियन हूँ तो मेरी तरह ये भी एक वर्ल्ड चैंपियन बने समात्रल कोई बॉक्सिंग रेगर टेक्निकल प्रशिक्षण ग्रहण कर से नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट महिला बॉक्सर राजेश सारार अधीनत अभिजीतक लो जथेष आशाबादी महिला प्रशिक्षक गराकियो जब मैं उनसे पहली बार मिली पहले तो मैंने उनके अचीवमेंट देखे इंट्रोडक्शन हुआ तो मैं उनसे बहुत इंप्रेस हुई थी ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बॉक्सिंग में ही है वो उन्होंने बहुत सारे गेम्स में बहुत सारे अचीवमेंट्स हासिल किए जब मैंने उनको बॉक्सिंग करते हुए देखा तब भी मैं बहुत इंप्रेस हुई क्योंकि उन्होंने बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा कवर कर लिया एक साल में लोग इतना नहीं कर पाते और उनका सपना है कि वो वर्ल्ड चैंपियन बने मुझे लगता है वो डेफिनेटली बनेंगे मतलब आई एम श्योर ऑफ दैट उनकी ट्रेनिंग देखते हैं और जो भी प्लानिंग रहेगी कैसे वहाँ तक पहुँचना है हम उनके साथ ही खड़े हैं उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग करेंगे क्या टेक्निक है क्या कमियाँ हैं सब दूर करेंगे मुझे लगता है वो हर काम में एक्सीलेंट है बॉक्सिंग में भी एक्सीलेंट रहेंगे অখমৰক্ষীৰ চাকৰিৰ পৰা পদত্যাগ কৰি এতিয়া এনেদৰে প্ৰফেশনেল বক্সাৰ হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবলৈ নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে অভিজিতে যদি তেওঁ এই প্ৰচেষ্টাত সফল হয় তেন্তে অনাগত দিনত অসমীয়া বক্সাৰসকলৰ বাবেও প্ৰফেশনেল বক্সিঙত সম্ভাৱনাৰ এখন নতুন দুৱাৰ মুকলি হ'ব নতুন দিল্লীৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট মনীষৰ সৈতে দিব্যজ্যোতি গগৈ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ